हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि उत्तर प्रदेश सेवा आयोजन प्रबंधन प्रणाली उत्तर प्रदेश आप देख सकते हैं वेबसाइट इसकी जो है सेवा आयोजन पोर्टल से जो वैकेंसी आती हैं आउटसोर्सिंग होती हैं उसी के क्षेत्र में जो है पंचायती राज विभाग में वैकेंसियां निकल करके आ रही हैं जो कि कंप्यूटर ऑपरेटर की हैं। कंप्यूटर ऑपरेटर के कुल जो है जहाँ पर देख सकते हैं कि 237 पदों पर भर्तियाँ निकाली गई हैं, कुल रिक्तियाँ इसकी हैं। यहाँ पर कंपनी का नाम दिया गया राजदीप इंटरप्राइजेस, पद का नाम है कंप्यूटर ऑपरेटर। कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए भर्ती निकाली गई है। विभाग आप देख सकते हैं यहाँ पर दिया गया है पंचायती राज। जो रिक्तियाँ यहाँ पर बताई गई हैं, पोस्ट की गई हैं, इसकी जो शुरुआत हुई है वो 18/10/2024 से फॉर्म इसके भरना स्टार्ट हुए हैं। यहाँ आप देख सकते हैं लिखा हुआ है रिक्ति पोस्ट करने की तिथि यहाँ पर दी गई 18/10/2024। कुल रिक्तियाँ इसकी 237 हैं। क्रमांक यहाँ दिया गया शिक्षा समूह ग्रेजुएट होना चाहिए, आल स्ट्रीम कोई भी स्ट्रीम हो, शिक्षा का स्तर आल डिग्री यहाँ पर दी गई है और विषय कोई भी हो। कंप्यूटर कॉम्पिटेंसी दिया गया है दूसरी शैक्षिक योग्यता कि कंप्यूटर नॉलेज आपको होना चाहिए, ट्रिपल सी हो या IDCA ओ लेवल इक्वलेंट DCA यहाँ पर दिया गया है। ये डिग्री आपके पास अगर है तो आप इस भर्ती के लिए एलिजिबल हैं। यहाँ पर दिया गया है कि रिक्त की प्रकृति थर्ड पार्टी है। कार का विवरण दिया गया बेसिक कंप्यूटर नॉलेज अलॉन्ग विद MS Excel, MS Word, इंटरनेट एंड MS Office अलॉन्ग विद यूजेस ऑफ बेसिक एंड रेगुलर सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस टू परफॉर्म डेली ऑफिशियल एक्टिविटीज शुड बी प्रोफिशिएंट इन बोथ हिंदी एंड इंग्लिश टाइपिंग एज वेल एज मैनेजिंग ऑफिस रिलेटेड पेपर वर्क। तो ये जानकारी आपको होना चाहिए, पूरा MS Office आपको पता हो, इंटरनेट आपको चलाना हो और टाइपिंग हिंदी और इंग्लिश की आपको आती हो। यहाँ पर दिया गया जो भी पेपर वर्क है ऑफिस का वो आप कर पाए। पुरुष महिला दोनों के लिए वैकेंसियाँ निकाली गई हैं। वेतन सीमा की बात की जाए तो 10,001 से 20,000 के बीच है। यहाँ वेतन मान जो दिया गया है 13,776 रुपये है। न्यूनतम आयु जो है 21 वर्ष और अधिकतम आयु 45 वर्ष बताई गई है। जो वैकेंसियाँ निकाली गई हैं अपेक्षित अनुभव कोई नहीं इसमें दिया गया है। और राज्य उत्तर प्रदेश इन जिलों में भर्तियाँ हैं बस्ती, सिद्धार्थनगर, गाजियाबाद, बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर, बागपत, कानपुर नगर, कानपुर देहात, इटावा, फर्रुखाबाद, कन्नौज, औरैया, झांसी, ललितपुर, जालौन, हमीरपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, मिर्जापुर, सोनभद्र, संत रविदास नगर, लखनऊ, उन्नाव, रायबरेली, सीतापुर, हरदोई, लखीमपुर खीरी, गोंडा, बहराइच, बलरामपुर, श्रावस्ती, अयोध्या, सुल्तानपुर, बाराबंकी, अम्बेडकर नगर, अमेठी, हापुड़, यहाँ पर ये जो है वैकेंसियाँ निकाली गई हैं। इन जिलों के नाम यहाँ पर दिए गए हैं तो आप लोग देख सकते हैं कि अयोध्या, बाराबंकी में भी जो है ये वैकेंसियाँ निकाली गई हैं। अन्य विवरण दिया गया कि जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज दिया गया प्रोविडेंट डाटा एंट्री वर्क एक्सपीरियंस एज एन कंप्यूटर ऑपरेटर आर ऑफिस क्लर्क एक्सपीरियंस विद इन MS Office एंड डेटा प्रोग्राम्स यहाँ पर दिया गया। तो ये आपके पास में अगर शैक्षिक योग्यताएँ हैं तो आप लोग आवेदन इसमें कर सकते हैं। इसकी जो अंतिम तिथि है वो 3/11/2024 यहाँ पर निर्धारित की गई है। इसमें आवेदन करने के लिए जैसा कि आप लोग जान सकते हैं कि सेवाजन पोर्टल पे आपको पंजीकरण होना चाहिए। सेवाजन पोर्टल आप जब खोलेंगे तो यहाँ से आपको लॉगिन करना होगा और लॉगिन करने के बाद ही आप यहाँ से, अगर आप पंजीकरण कर चुके हैं पहले से, रजिस्ट्रेशन आपका कंप्लीट हो गया है, तभी आप लोग यहाँ से आवेदन कर पाएंगे, अन्यथा आवेदन आप नहीं कर पाएंगे। यहाँ जाएंगे तो लिखा हुआ है लॉगिन, लॉगिन पर जब आप क्लिक करते हैं तो लॉगिन के लिए पेज खुल करके आता है जहाँ से आप लोग लॉगिन करके सर्च करेंगे। यदि आपके पास में कोई अकाउंट्स नहीं है तो यहाँ पर लिखा है जॉब सीकर, यहाँ पर लिखा है साइन अप, इस पर क्लिक करते हैं। यहाँ से क्लिक करके आपको रजिस्ट्रेशन करना है, जो मांगी गई सूचना उसे भरना होगा और उसके बाद ही आप जो है यहाँ से कोई कार्य इसके अंदर कर पाएंगे। तो इस तरीके से आप लोग स्टेप बाय स्टेप देख सकते हैं इन वैकेंसियों के लिए आवेदन करने के लिए। सिर्फ आवेदन करें भी आपको क्लिक करना है और आपका आवेदन हो जाएगा। तो इस प्रकार से बड़ी वैकेंसी निकल करके आ रही है जो कि आउटसोर्सिंग पर है, आप लोग इसमें आवेदन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए